हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा ही गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं हाजीपुर, जो कि बहुत दिन बाद जा रहे हैं। तो हाजीपुर किस लिए जा रहे हैं आप थोड़ा सा गेस करिएगा जरूर। फिलहाल अभी हम लोग हाईवे पे हैं, बक्सर से लगभग 50 किलोमीटर आ गए, आरा पहुँचने वाले हैं जस्ट। तो आज मेरा छोटा ब्लॉगर भी है, ये रही पलक। क्या पलक, कैसे हैं आप लोग? और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा मेरे भी हिसाब से और इनके भी हिसाब से। ओके बाय। तो ये भी अब ब्लॉग बनाएगी लग रहा है। तो फिलहाल चलते हैं, इसके बाद तो लगना जी पे रुका जाए, वहाँ पे कुछ खाया जाए और उसके बाद निकला जाए। ये अभी रियर साइड से राइट जो वाला जो टायर है, अभी ये पंचर हो चुका है, जो कि अभी दिखा रहा है कब से वारने। तो देखते हैं इसको बीच में बनवाया जाएगा, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा वहाँ तक। सकते हैं हम लोग अभी हाईवे पे हैं एंड यहाँ पर हमारे गैन जी हैं, गैन जी भैया समझ लीजिए, और यहाँ पर हमारे अंश हैं और यहाँ पर हमारी मम्मी श्री हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पटना जा रहे हैं और देख सकते हैं रोड ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोड बन चुका है एंड हाईवे भी बन चुका है, देख सकते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं तेलंगाना जी का मशहूर पेड़ा। तो अभी यहाँ पे लिट्टी खाते हैं, उसके बाद पेड़ा भी खाया जाएगा। अंदर से ऐसा है, बहुत डिसेंट सा है, लेकिन बढ़िया फ्रेश लिट्टी वगैरह मिलता है भाई। तो यहाँ पर चाय हम लोग पी रहे हैं एंड ये हैं मेरे भैया एंड मेरे को यहाँ का लिट्टी बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट था ना वो हर जगह नहीं होता है एंड बिहार का फेमस भी लिट्टी ही है, आप लोग को तो पता ही होगा। अच्छा ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने चिप्स लिया है 4-5 ठो खाने के लिए गाड़ी में एंड बस हो गया इतना ही। ये अभी हम लोग बीटा वाले ब्रिज पे है और यहाँ पे गए ऊंट दिख के। बैठोगे पलक? बैठा दिया जाए पलक को। यहाँ से जो टोल रोड है इंड होता है, आगे टू लाइन रोड है, तो इसके बाद टू लाइन है पटना तक, और उसके बाद हम लोग जब दीघा क्रॉस करेंगे तब 4 लाइन मिलेगा आगे, वो भी बहुत आगे। लाल अब ऐसे ही चलना पड़ेगा धीरे धीरे। अभी हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव, तो आज पलक और अंश को मरीन ड्राइव घुमाया जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव और प्यारा सा गंगा जी का यहाँ से जो व्यू आता है ना शाम के वक्त, वो कतई जहर आता है। लाल अभी कैसा लग रहा है मरीन ड्राइव पे? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आप लोग भी कभी आइएगा यहाँ पर और देखिएगा। तो ये कभी पटना आती थी लेकिन मरीन ड्राइव नहीं घूम पाते थे, तो आज इसको घुमा रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा ड्रोन शॉट एंजॉय करिए। यहाँ पे हम लोग पूरा एंजॉय किए और कैसा लगा ड्रोन शॉट कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, फाइनली हम लोग हाजीपुर आ चुके हैं और यहाँ से और ज्यादा दूर अंकल जी का घर नहीं है, मुजफ्फरपुर वाले रास्ते में है बीचों बीच, तो बस थोड़ी देर में वहाँ पे चले जाए, कहीं जाम वगैरह कुछ नहीं, मजा आ गया आने में भी, पूरा मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट टोल है। तो अब गाइस बक्सर से आने में 2 या 3 टोल लगने वाले हैं। फाइनली
गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और आज तो बहुत दिन बाद अलकजार, लगभग मैं एक महीना बाद चला है। बहुत मजा आया और बक्सर से पटना आने में अब सोचना नहीं है, जब मन करे कार उठाना है और आ जाना है। भाई जो रोड है कतई जहर, अब मजा आ जा रहा है आने में भी। फिलहाल तो हाजीपुर हम लोग हैं, हाजीपुर से थोड़ा सा आगे एक गांव है वहीं पे है। और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, जल्द ही एक नए वीडियो मिला जाएगा। और 10,000 जल्द से जल्द कराइए सब्सक्राइबर तो और मजा आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।